वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अरे चौधरी साहब खैरियत से तो है, बहुत घबराए हुए हैं। अरे क्या खैरियत वैरियत रहेगी, अरे जब देखो दौरे चले आते हैं। समझा नहीं, किसकी बात कर रहे हैं चौधरी साहब? अरे वही मस्जिद मदरसे वाले लोग। क्या रिश्ते विश्ते की बात करने आते हैं? अरे फालतू की बकवास मत करो, दिमाग से दिया गया क्या तुम्हारा? माफ करना चौधरी साहब, जबान फिसल गई। अरे मेहराज भाई, चौधरी साहब टेंशन में है और आप चौधरी साहब की फिरकी ले रहे हो। जी चौधरी साहब, वो मदरसा वाले आपके पास क्यों आते हैं? अरे जहाँ धान गेहूँ तैयार होता है के पहुँच जाते हैं, कहते हैं उस दो। अरे चौधरी साहब, तुम्हारे तो घर ही पहुँचते हैं, हमारे तो खेत पर भी पहुँच जाते हैं, मगर मेरे नाना भी इतने कंजूस और मक्खी चूस है कि उनको देना तो बहुत दूर की बात, परिंदों को भी चोच नहीं मारने देते। चौधरी साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये मौलवी हजरात और मदरसा के जिम्मेदार जब ये फसल आती है तो उसर मांगने आ जाते हैं, और रमजान आता है तो जकात मांगने आ जाते हैं। हम लोग कितनी मेहनत मशक्कत से कमाते हैं और खेती करते हैं, और ये लोग आसानी से लेकर चले जाते हैं। हाँ भाई, हर साल जकात ही निकालते रहे तो बीवी बच्चों के लिए क्या जमा कर पाएंगे? सही कह रहे हैं महाराज भाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्चा और उनकी शादी ब्याह खर्चा कैसे पूरा होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है चौधरी साहब, सब एक साथ जमा है, कोई जमीन उमीन बेचने की मीटिंग हो रही है? अरे नहीं यार, हम लोग एक कंफ्यूजन में पड़े हैं। क्या बात है चौधरी साहब, सब खैरियत से तो है? अरे क्या खैरियत वैरियत रहेगी, हम लोग टेंशन में है के हर साल जकात ही देते रहेंगे तो एक दिन हम खुद ही गरीब हो जाएंगे, बस इसी की मीटिंग चल रही है। ओहो, तो ये बात है, लेकिन चौधरी साहब हम भी जुमा की नमाज पढ़ने गए थे तो इमाम साहब तकलीर कर रहे थे कि जकात निकालो जकात निकालो। अच्छा, इमाम साहब भी बोल रहे थे, तो चलो इमाम साहब से ही बातचीत करते हैं। जी चौधरी साहब चलिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरिया साहब, इमाम साहब जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैरियत से हैं? हाँ, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बेखैर वाफियत। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? इमाम साहब, हम लोग के कुछ सवालात हैं। जी फरमाइए, आप हजरात के क्या सवालात हैं? जी चौधरी साहब आप बोलिए। इमाम साहब, हम लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं और फिर हमें उसमें से जकात निकालने को कहा जाता है। हम खेती करते हैं तो हमको उस वगैरह निकालने को कहा जाता है, ऐसा क्यों? ये कैसा निजाम है? मेरे भाइयों, हर मुसलमान को खास तौर पर यह हकीकत पेश रखनी चाहिए कि उसे जो कुछ भी दौलत मिली है उसका असल मालिक वह खुद नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ही मालिक हकीकी है, और उसने अपने फजल करम से हमें अपनी मिल्कियत में बतौर नियामत तसर्रुफ करने का हक दे रखा है। जब अल्लाह ही इसका मालिक है और उसी की कुदरत की बिना पर हमें ये नेमत मैसर आई है, अगर वो अपने बंदों को ये हुक्म करता कि अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा दे तो भी हमें कोई शिकायत ऐतराज का मौका ना था, क्योंकि उसकी चीज है, वह जहां और जितनी चाहे खर्च करे, मगर ये भी उसका हुक्म है कि उसने जहां हमें खर्च करने का हुक्म दिया वहां पूरा माल नहीं बल्कि कुछ हिस्सा खर्च करना जरूरी करार दिया। इमाम साहब, इस तरह अगर हम लोग हर साल ज़कात ही निकालते रहे तो हमारा माल घटता रहेगा और आखिर में हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा हरी नहीं, आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ज़कात की अदायगी और सबका व खैरात करने से माल घट जाता है, लेकिन कुरान व हदीस की सिराहत यह है कि सदके से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही रहता है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
क्या किसी आदमी का माल सदका की वजह से कम नहीं होता? मेरे प्यारे भाइयों, सकात और सदकात निकालने की वजह से अगर चाहे माल कम होता दिखाई देता, मगर इस बिना पर इन जानबे खुदाबंदी जो बरकत होती है ख्वाबाद में, कारोबार में इजाफा की सूरत में हो या नुकसान वलियात से हिफाजत की सूरत में सदके के मकदार के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है। नेज तजर्बा से ये बात साबित है कि सकात देने वालों का माल बढ़ता ही रहता है। चौधरी साहब जी, इमाम साहब, तो इस तरह जकात निकालने का फायदा क्या है? मेरे भाइयों, जकात और सदकात के लिए जकात और सदकात आज मशान अदरत सबब है, वही दुनिया भी नकद फायदे को माना जाए। लेकिन ये फायदा इतना अजीम है कि दुनिया की किसी दौलत इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। बहरहाल इस वक्त मेरे पास एक बड़े दायरे के मुअक्कर मुफ्ती साहब मौजूद हैं, चलिए हजरत से इस्तफादा भी करते चले। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती साहब, हमारी दरमियानी ज़कात के ताल्लुक से बहदो मुबाइसा जारी है, आप इसका हल फरमाइए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, इस्लाम के तमाम अहकाम और हिदायत का खुलासा दो बातें हैं। नंबर एक, खुदा की बंदगी। नंबर दो, बंदगाने खुदा की मदद। नमाज खुदा के सामने गुलामाना एहतराम बजा लाना है। रोजा, नफ्स की ख्वाहिश पर खुदा के हुक्म को गालिब करना। हज, खुदा की शान महबूबियत का इजहार करना। दूसरी तरफ सदकात, अल्लाह के बंदों की मदद और हल्के खुदा की आनत है और दीन के इस शोबे का सबसे जली और अहम उनवान ज़कात है। ये अपने माल में खुदा और उसके बंदों के हक का एतराफ़ है और नमाज के बाद गालिबन सबसे अहम रुकन ज़कात है। ज़कात और सदकात के गुरवी मुनाफे बेशुमार है और असल में यही मुनाफे हमारे पेशे नजर रहनी चाहिए, जिसका खुलासा ये है। नंबर एक, एक रुपया के बदले 700 गुना अज्र मुकर्रर है और इखलास वगैरह की वजह से उसमें ज्यादती का भी वादा है। नंबर दो, ज़कात और सदका में खर्च गोया अल्लाह ताला के साथ तिजारत करना है, जिसमें किसी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं। नंबर तीन, सदका हमारे लिए कयामत के दिन हज्जत बनेगा। उसके अलावा और भी बहुत सी दुनियावी व उखरवी फवाइद हैं। मेरे भाइयों, आज मुसलमान के दिल में दुनिया की मोहब्बत बस गई है, वो दौलत की मोहब्बत में फंसा हुआ है। बहुत कम मालदार मुसलमान ऐसे हैं जो सही सही ज़कात का हिसाब करके निकालते हैं, बस यूं ही अंदाजे से थोड़ी बहुत रकम निकाल कर मांगने वालों को बांट देते हैं। अगर सही मानों में हिसाब लगाकर ज़कात निकाली जाए और ज़कात वसूल करने और तकसीम करने का इस्तेमाल नज़म हो तो इंशाअल्लाह गरीबी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, सब लोग खुशहाल होंगे और आपस में मोहब्बत होंगे। उम्मीद है कि आप हज़रात के तमाम इश्काल का जवाब मिल गया होगा। हाँ मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी गलत फहमी को दूर कर दिए। इंशाल्लाह अब हम लोग हर साल जकात निकालेंगे और दूसरों को भी जकात निकालने के लिए कहेंगे। जज़ाकअल्लाहु खैरा मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।